हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक लॉन्च में। तो आज हम लोग बात करेंगे समन केसेस के बारे में, जो कि दिया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 20 में। और अगर हम बात करें बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके चैप्टर 21 में दिया गया है एक ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय द मजिस्ट्रेट। तो अगर हम सीआरपीसी की बात करते हैं, सेक्शन 251 टू सेक्शन 259 इज गिवन। और अगर हम बात करते हैं आपके बीएनएसएस की, तो उसमें चैप्टर 21 में सेक्शन 274 टू सेक्शन 282 इज टॉकिंग अबाउट द समन केसेस की। समन केसेस में मजिस्ट्रेट ट्रायल कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 251 के बारे में। तो सेक्शन 251 बेसिकली क्या बात करता है, ये बात करता है सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड, दैट मीन कि अभी वो कुछ आ रहा है जो हिंदी में उसको बोलेंगे। तो व्हेन इट समन केस द अक्यूज्ड अपीयर और ब्रॉट द मजिस्ट्रेट, द पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस ऑफ व्हिच ही इज अक्यूज्ड शैल बी स्टेटेड टू हिम एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर द प्लेड गिल्टी और हैज एनी डिफेंस टू मेक, बट इट इज शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम ए फॉर्मल चार्ज। दैट मीन जब किसी समन मामले में किसी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है या लाया जाता है, हाजिर किया जाता है, तब उसे अपराध के बारे में बताया जाता है कि जो उसके ऊपर अभियोग यानी ट्रायल चलने वाला है, उसमें पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी है या वह अपनी प्रतिरक्षा में अपने डिफेंस में डिफेंस लेना चाहता है। और उसके बाद में उसको अगर वो डिफेंस लेता है, प्लेन गिल्टी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट प्रोसीड करेगा। और या था अगर वो कहता है कि नहीं मैं गिल्टी नहीं करता हूँ, मैं डिफेंस लेना चाहता हूँ, तो फिर लाइक इसमें फॉर्मल चार्जेस फ्रेम नहीं होती, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 252, दैट इज लाइक अगर हम बीएनएसएस की बात करें, तो दैट इज सेक्शन 275। ओके, सो कन्विक्शन ऑन प्ले गिल्टी यानी कि दोषी होने के अभियोग पर दोष सिद्ध, दैट मीन क्या है कि इफ द अक्यूज प्ली गिल्टी द मजिस्ट्रेट शैल रिपोर्ट द प्ली एज नियरली एज पॉसिबल द वर्ड यूज्ड बाय द अक्यूज एंड मे ही इज इन डिस्क्रिशन कन्विक्टिंग देयर। सो यदि दोषी होने का अभिवचन करता है यानी कि अगर वो प्ली गिल्टी करता है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त का अभिभावक यानी मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो अक्यूज है उसका जो जो प्ली गिल्टी किया है उसने जो उसका स्टेटमेंट है उसको उसी के शब्दों में रिपोर्ट करा देगा, तथा उन अभियुक्त ने प्रयोग किया उसके आधार पर उसे स्वविवेक अनुसार यानी कि अपने जो डिस्क्रिशनल पावर है उसके अनुसार उसके ऊपर जो उसको कन्विक्ट कर सकता है। ओके, सो दैट इज अंडर सेक्शन 252। और अगर हम बीएनएस की बात करें, दैट इज अंडर सेक्शन 275। But now I just want to tell you one more thing. Like, अगर suppose जो 274 section है DNSS में, उसमें proviso भी दिया गया। तो proviso क्या बात करता है कि provided that if the magistrate considers the accusation as groundless, he shall after report the reason in writing release the accused as such release shall have to be accepted under discharge. So अगर magistrate को लगता है कि जो accused के ऊपर आपके एलिगेशन लगे हैं दे आर बेसलेस एंड ग्राउंडलेस, आई मीन वो उसके ऊपर एक्विजिशन जो है वो बनते ही नहीं है, फॉल्स एक्विजिशन है, तो मजिस्ट्रेट रीजन रिपोर्ट करेगा और उसको डिस्चार्ज कर देगा। इवन हम लोग बात कर सकते हैं कि फॉर्मली अंडर सेक्शन 251 ट्रायल फ्रेम होते ही नहीं है, बट अगर मजिस्ट्रेट नाउ अंडर सेक्शन 274 बीएनएसएस प्रोविजो दिया गया है, अब मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि जो जो एलिगेशंस है, जो एक्विजिशंस है, दे आर बेसलेस ग्राउंडलेस एंड प्राइमा फेसिस देयर इज नो केस मेड आउट अगेंस्ट दैट अक्यूज, देन ही कैन डिस्चार्ज द अक्यूज। ओके, सो दिस इज द थिंग अंडर सेक्शन 252 सीआरपीसी और मे बी यू कैन से लाइक 275 बीएनएस कन्विक्शन ऑन द प्ले ऑफ द राइट। अगर अक्यूज प्ली गिल्टी कर लेता है, वो मान लेता है कि हाँ उसने ये अपराध किया है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो उसके डिस्क्रिशन पावर के ऊपर है, तो जो
स्टेटमेंट है कि उसको वो रिपोर्ट कराएगा और उसके बाद में उसको मिलिट्री कर सकता है ओके और आगे भी प्रोसेस कर सकता है। सो नाउ अंडर सेक्शन 253 सीआरपीसी और या 276 डीएनएसएफ सो कन्विक्शन ऑन द प्ले ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ द एक्यूज इन पिटी केसेस छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने का अभिभावक पर दोष है ओके सो लेट्स सी क्या है वेयर द समन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 206 एंड द एक्यूज डिजायर टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट ही शैल ट्रांसमिट टू द मजिस्ट्रेट बाय पोस्ट और मैसेंजर और ए लेटर or containing his plea and also the amount of the fine specified in the summon. So, agar hum baat karte hain ki summon cases mein agar under section 206 us accused ko summon issue hua hai aur wo magistrate ke samne bina hazir hue hue uska jo ya to uska uske behalf pe koi hazir hoga wo apna jo offense hai usko wo गिल्टी कर सकता है और जो उसमें जो आपका फाइन है उसको एक लेटर में मजिस्ट्रेट को भेज सकता है बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए वो अपना जो फाइन है वो पे कर सकता है बाय द लेटर और बाय द मैसेंजर वी कैन डू सो सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर सेक्शन 253 क्लॉज 2 द मजिस्ट्रेट मे इन हिज डिस्क्रेशन convict the accused in his absence on his plea of guilt and sentence him to pay the fine specified in the summon and amount transmitted by the accused shall be adjusted toward the fine and wherein pleader authorized by the accused in his behalf plead guilty on behalf of the accused the magistrate shall report the plea as nearly as possible in the word used by the pleader as may in his discretion convict the accused on such plea and sentence him as aforesaid so isme kya hai the magistrate apne discretionary power ke anusar doshi ke abhivak ke aadhar par uske statement ke aadhar par uski anupastiti mein to uske pleader ne jo statement diya hai uske aadhar par jurmana ke aadesh karega और अभियुक्त पर भेजी गई जो रकम है जो उसमें जुर्माने में समायोजित की जाएगी या अभियुक्त द्वारा इस नियुक्त प्राधिकृत प्लीडर यानी कि उसके द्वारा जो ट्रायल प्लीडर है जो ट्रायल प्लीडर है वो अक्यूज के बिहाफ पे स्टेटमेंट देगा और मजिस्ट्रेट वो सेम स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराएगा तथा रिकॉर्ड कराने के बाद में इस उसके अपने डिस्क्रिशन पावर के बिहाफ पे को कन्विक करेगा और उसके ऊपर जो फाइन है उसको इम्पोज करेगा उसको ऑर्डर पास करेगा दैट इज अंडर सेक्शन 253 नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर सेक्शन 254 सीआरपीसी तो 254 इज टॉकिंग अबाउट प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्ट सो प्रक्रिया जब दोषित नहीं किया जाए सो इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 252 और सेक्शन 253 द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution and also the hear the accused and take all such evidence as he produces in his defense so jab magistrate like jo accused hai uske dwara usko 253 or 252 mein convict nahi karta hai to wah trial mein jo prosecution ke evidence hai jo अभियोजन के सुनने के साथ जो साक्षी है अभियोजन के समर्थन में वो पेश किए जाए वो लेने के बाद अभियुक्त को सुनने के बाद जो साक्ष्य है जो उसकी प्रत्यक्ष में दिए हैं उसके डिफेंस में दिए गए हैं उसके लिए अभियुक्त करेगा ओके सो अब नाउ 252 क्लॉज 2 द मजिस्ट्रेट मे इज ही थिंक फिट ऑन हिज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूटर टू द अक्यूज्ड issue summon to any witness directing him to attend or the produce any document or other thing. So under section 252 clause 2 mein magistrate trial mein abhiyojan ya abhiyukt ke avedan par jo theek samajhta hai wah sakshi ko hazir karne ke liye ya koi dastavej ke any cheez ko pesh karne ke nirdesh dene mein wo summon jari kar sakta hai. That means under section 252 clause 2 magistrate if he thinks fit
एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये एप्लीकेशन जो प्रोसिक्यूशन ने दी है या फिर अक्यूज है, तो वो किसी को भी समन कर सकता है या किसी को विटनेस को डायरेक्टली कि वो आए और अपने स्टेटमेंट या ये चीज ले जाए, वो कोर्ट में यूज करे, उसके लिए समन इशू कर सकता है। नाउ लेट्स सी 253 क्लॉज 3, द मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑफ सच एप्लीकेशन रिक्वायर्ड दैट द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ द विटनेस incurred in attending the purpose of the trial to be deposited in the court. Magistrate ऐसे आवेदन पर किसी भी साक्ष्य को समन करने से पूर्व यह अपेक्षा कर सकता है कि विचारण के प्रयोगों के लिए हाजिर होने वाले को उचित न्यायालय में जमा किया दिया जाए। That means कि जो मजिस्ट्रेट है वो समन इशू करने से पहले ये जो एप्लीकेशन जिसने दी है उसको ये कह सकता है कि जो एक्सपेंसेस है विटनेस की वो आप कोर्ट में जमा कर दीजिए और विटनेस को समन कर सकता है। नाउ अंडर सेक्शन 255 सीआरपीसी और 278 बीएनएसएस एक्विटल ऑफ कन्विक्शन दोष मुक्ति रिजोल्यूशन। So, if the magistrate, upon taking the evidence referred to in section 254 and such further evidence, if as he may be his own motion, goes to produce, find that you have not been easily challenged hold an order of acquittal, then the magistrate under section 254 may jo produce kiye gaye hain evidence aur yadi koi ho to main apne discretion se pesh karwaye is par और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि जो अक्यूज है ही इज नॉट कन्विक्टेड, सो वह उसको रिपोर्ट करा के जो अक्यूज है उसको एडमिटल कर सकता है, उसको दोष मुक्त कर सकता है। ओके, नाउ अंडर सेक्शन 252 क्लॉज 2, वेयर द मजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 325 और सेक्शन 350, ही शैल इफ ही फाइंड अक्यूज गिल्टी पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ। सो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है भैया जो आपका अक्यूज है यहाँ पे वो मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 325 और 360 के अनुसार कार्यवाही नहीं करता है, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है तो वह विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकता है। जैसे अगर हम बात करें सेक्शन 325 और सेक्शन 360 में आपको लाइक जो अक्यूज का उसको छोड़ने के लिए इसमें प्रोविजन है, एंड 325 इज लाइक सिक्योरिटी के बिहाफ पे आई थिंक समथिंग इज देयर, सो दैट इज देयर। सो अगर मजिस्ट्रेट 325 और 360 के अनुसार कार्यवाही करता है तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दोषी अभी दोषी है तो वह विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है। अब नाउ वी सी द 255.3 मजिस्ट्रेट एंड may under section 252 or 255 commit the accused of any offence tribal under this chapter from which the fact admit or proven he appear to have committed, whatever may be the nature of the complaint of or summon, if the magistrate is satisfied that the accused would not be perjurious thereon. So this section ke andar hum baat karte hain ki agar magistrate section 252 or 255 ke against kisi abhiyukt ko chahe तो वह परिवाद या समन किसी भी प्रकार का रहा हो उस अध्याय का अधीन विचारणीय किसी भी ऐसे अपराध जो उसकी प्रति साबित तथ्यों के द्वारा प्रतीत होता है दोषित कर सकता है। मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उसे अभी तो कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो दैट मीन इस सेक्शन का मतलब है अगर दोषी की हम बात कर रहे हैं कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो ऑफेंस है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रायल दिस ट्रायल, बट वो अगर एविडेंस लेने के बाद में मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये ऑफेंस इसने किया है एंड अगर वो उसको कन्विक्ट कर देता है सो अक्यूज के जो राइट्स हैं वो कर्टेल नहीं हो रहे हैं वो उसके ऊपर, दिस इज नॉट द प्रेजुडिस टू द अक्यूज। लाइक अगर मजिस्ट्रेट ऐसा जजमेंट देता है दैट इज नॉट द अबाउट दिस ट्रायल बट टू एग्जामिन द एविडेंस he feel like the accused made this offense and when he is convicted to the accused there is no prejudice to the accused that he can convict the accused.
in the same trial. You don't need to run a different trial for the different closure because the re-examination of the evidence and found accused guilty of the different offense, and the, when he is convicted to the accused, there is no prejudice to the accused. I mean, okay, so arbitrary of accused ke saath mein, so wo usko admit kar sakta hai. That is under section 255 clause C. Let's talk about it. Now see what section 256 CRPC or section 279 B and SS. So no appearance or death of the complainant. परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु. So if the summon has been issued on complaint and on the day of appointment of the appointed for the appearance of the accused or any day subsequent thereto which the hearing may be adjourned, the complaint does not appear, the magistrate shall not be disturbing anything here in before contended accused the accused unless for some reason of the thing he proffered to adjourn the hearing of the case in some other day. Okay, so this may agar baat karte hain yadi parwadi ko saman jari kar diya gaya to abhiyukt ki haazri के लिए नियत दिन या उसकी पश्चिमवर्ती किसी दिन यानी सब्सिक्वेंट डे और जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है परिवादी हाजिर नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा जब तक कि वह किसी कारणों के लिए या किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई को स्थगित करना ठीक न समझे. सो दैट मीन क्या होता है कि अगर समन केस में समन इशू हो गया है and on the day of appointment of the appearance of the accused, or jis din accused ko appear hona tha, aur uske kisi bhi subsequent day agar woh appear nahi hota aur adjournment day leta hai, complaint bhi appear nahi hota, so magistrate accused ko withdraw kar sakta hai kisi ground pe agar woh sahi samajhta hai. Okay, aur parantu yadi parivadi ka prabhutva nirdhar ya abhiyojan ke sanchalak ke adhikari ke dwara kiya jata hai jahan मजिस्ट्रेट की राय है कि परिवादी जो व्यक्ति ने हाजिर किया है औचित नहीं है और मजिस्ट्रेट उस हाजिर से अभियुक्ति को अभिमुक्ति दे सकता है तो मामले में कार्रवाई कर सकता है. दैट्स रियली व्हाट इट इज. सो ये समझते हैं हम लोग क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट को. लाइक सो प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंप्लेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेडर और बाय ऑफिसर ऑन कंडक्टेड ऑफ द प्रोसिक्यूशन वेयर द मजिस्ट्रेट इज opinion that personal attendance of the complainant is not necessary. यहाँ पे magistrate की ये opinion है कि जो complainant के attendance mandatory नहीं है, तो magistrate may dispense with the attendance and proceed with the case. So magistrate complainant की जो attendance है उसको dispense कर सकता है, उसको उसको मुक्त कर सकता है attendance, उसको they no need to be appear to the complainant. And now let's see what we say further. So the provision of the subsection 1 shall so far as may be applied to case where the known appearance of the complainant is due to his death or up dhara 1 ke upar mein yahan tak ho sake un mamlon ke lagu honge jahan pe parivadi ke hazir na hone ke karan usko mrityu hai. So jo clause 1 hai wo wahan pe applicable hoga jahan pe aapke jo accused jo complainant hai he is not appear because he is and because of the reason is behind it, he is there, he is not there. So under section 270, हम देखते हैं withdrawal of the complaint, यानी कि परिवाद का वापस लेना. So if a complaint at any time before a final order is passed in any case under this chapter, satisfy the magistrate that there are sufficient ground for permit him to withdraw his complaint against the accused. Or if there is be more than one accused against all of them or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. So यदि किसी मामले में इस अध्याय में अंतिम आदेश पारित किए जाने से पूर्व यानी कि जजमेंट देने से पूर्व किसी भी समय मजिस्ट्रेट के सामने समाधान कर देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध
जहाँ तक एक से अधिक अभियुक्त है वहाँ उन सब या उनमें से किसी के लिए परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा देने के लिए पर्याप्त आधार है तो मजिस्ट्रेट उस परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा दे सकता है और दोष के रूप परिवाद को इस प्रकार वापस ले आता है कि दोष मुक्त कर देगा। दैट मीन कि अगर किसी भी स्टेट ने कंप्लेंट चाहे तो कंप्लेंट को विड्रॉ कर सकता है और मजिस्ट्रेट इफ सैटिस्फाइड मजिस्ट्रेट अगर सैटिस्फाई है कि जिस रीजन से वो कंप्लेंट वापस ले रहा है सो वो उस कंप्लेंट को वापस लेने के लिए परमिशन दे देगा और अक्यूज को एक्विटल कर देगा उसने उसको छोड़ देगा इस तरह से कि उसको हमने एक्विटल कर दिया। नाउ सी अंडर सेक्शन 258 पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस कुछ मामलों में कार्रवाई रोकने की शक्ति। सो इफ एनी सडन केस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट ए मजिस्ट्रेट of the first class or the previous sanction to the chief judicial magistrate or any judicial magistrate may for reason to be recorded to by him to stop the proceeding at any state without pronouncing any judgment and where such a stoppage of the proceeding is made after the evidence of the principal witness has been recorded without a judgment of acquittal and in any other cases against the accused as such release shall be even effective of discharge। तो यदि परिवाद में बिन आधार पर स्थगित किसी सबल मामले में को प्रथम मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके ऐसे कारणों से उसके द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा कि कार्यवाही करते हुए किसी भी स्टेट पे बिना जजमेंट सुनाए मुख्य साक्षी को अभियुक्त किए जाने के पश्चात जो मेन विटनेस है उनको रिपोर्ट करने के बाद इस प्रकार कार्रवाई रोकी जा सकती है कि जो अक्यूज है उनको दोष मुक्त कर दिया गया है दे आर एक्विटल और किसी अन्य दशा में अभियुक्त को छोड़ सकता है ऐसे छोड़ने का प्रभाव प्रमोशन होगा और जो उनका छोड़ने का जो रिलीज लाइक रिलीज द अक्यूज एंड सच रिलीज शैल हैव टू बी इफेक्टिव डिस्चार्ज और जो ऐसे जो जिनमें वो छोड़ेगा मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में जिनमें प्रोसीडिंग स्टॉप करके तो उसमें हम ऐसा मानेंगे कि जो उसके ऊपर एक्विटेशन दी गई उसके ऊपर चार्ज से मुझे उसको डिस्चार्ज कर दिया गया वो सारे चार्ज हटा दिए गए। नाउ सेक्शन 259 पावर ऑफ द कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस इनटू द वारंट केस। सो समन मामलों को वारंट मामलों में कन्वर्ट करने की न्यायालय की शक्ति। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 259 और बीएनएस सेक्शन 282 this talk about power to court to convert summon cases into the warrant case. So when the court of the trial of a summon case related to a offense punishable with the imprisonment of term exceeding 6 months, it's appeared to the magistrate that in the interest of justice, the offense should be tried in accordance with the procedure of the trial of warrant case. Such magistrate may proceed to rehear the case in manner provided by the court for the trial of warrant case and may he report any witness who may have been examined. तो ऐसे किसी मामले में बात के संबंध में जिसमें मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो ये केस है it should be proceeded further in a manner like a warrant case. So मजिस्ट्रेट वो ऐसे मामले को warrant case में convert कर सकता है और उनके द्वारा like मजिस्ट्रेट अपराध विचारणीय वारंट मामलों में विचारण प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। ऐसे मजिस्ट्रेट वारंट मामलों में विचारण के लिए इस संहिता के उपबंधित रीति से उस मामले को पुनः सुनवाई कर सकता है और ऐसे साक्षियों को पुनः बुला सकता है जिसकी परीक्षा की जा सकती है। यानी कि अंडर सेक्शन 155 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट मजिस्ट्रेट हैव पावर टू बी कॉल्ड एनी विटनेस इन एनी स्टेज एंड वो ऐसा कर सकते हैं। सो हम अगर बात करते हैं 259 में सो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो समन केस को अगर उनको लगता है उनको ऐसा लगता है जो जो इसमें इम्प्रिजनमेंट है वो 6 महीने से ज्यादा का होगा सो मजिस्ट्रेट जो ट्रायल केस को जो है आपका वारंट केस की तरह ट्रीट कर सकता है और उसको उसी तरह प्रोसीड कर सकता है। So he can convert that summon case into a warrant case. That is basically section 259 CRPC. So this is all about this chapter. So if you like the video, please like, comment, share, subscribe to the channel, and thanks for watching. Thank you.